आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया टैंक K9 राष्ट्र को समर्पित, ये टैंक दुश्मनों के लिए होगा जानलेवा। येदुरप्पा ने कहा हम सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे, कांग्रेस और जेडीएस को डरने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार करेगी शराबबंदी, शराबबंदी के फैक्ट जांचने के लिए बनेगी समितियां। अब छतरपुर में बजरंगी भाईजान, अयप्पा को घर पहुंचाएगा अख्तर। और 3 तलाक का मामला सामने आया, पीड़िता ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा LNT में तैयार सेना के लिए सबसे शक्तिशाली K9 वज्र टैंक देश को समर्पित किया। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस टैंक की सवारी कर इसका जायजा भी लिया। मेक इन इंडिया के तहत बने इस टैंक से सेना की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैंक में घूमते नजर आए। ये शक्तिशाली K9 वज्र टैंक है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टैंक दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब तक सेना के पास जो टैंक है वो एक जगह पर स्थित होकर वार करते हैं, लेकिन ये 9 वज्र चारों तरफ घूम घूम कर हमला करने में सक्षम है। टैंक नुमा K9 वज्र रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। 2017 में LNT और हानवा टेक्विन की साझेदारी में इसका निर्माण हुआ। इस सौदे की कुल कीमत करीब 4300 करोड़ रुपए है। K9 वज्र बेहद दमदार है और डायरेक्ट फायरिंग में 1 किलोमीटर दूरी पर बने दुश्मन के बंकर और टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। इस टैंक को किसी भी वातावरण में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। टैंक का वजन 47 टन है जबकि टैंक की लंबाई 12 मीटर है। टैंक में चालक के साथ 5 लोग सवार हो सकते हैं। K9 वज्र 21वीं सदी के किसी भी युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे कराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 52 किलोमीटर है। यह पहला ऐसा टैंक है जिसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। यह 3 मिनट में 15 राउंड की भीषण गोलीबारी कर सकने में सक्षम है। बेंगलुरु में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BS येदुरप्पा ने गुरुग्राम में रुके अपने सभी विधायकों को बुला लिया है, जहां एक तरफ कांग्रेस और JDS की शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में चारों विधायकों के नहीं पहुंचने की खबर है। येदुरप्पा ने कहा हम इस सरकार को किसी भी कीमत पर अस्थिर नहीं करेंगे, कांग्रेस और JDS को डरने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक के बीच येदुरप्पा ने कहा कि हमारे विधायक दिल्ली से बेंगलुरु लौट रहे हैं, हम राज्य का दौरा कर अकाल की स्थितियों का जायजा लेंगे, हम इस सरकार को किसी भी कीमत पर अस्थिर नहीं करेंगे। शुक्रवार को भाजपा पर सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाने वाले कांग्रेस ने ताकत दिखाने के लिए अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में उसके 4 विधायक नहीं पहुंचे। विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि वह इन विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेंगे, उसके बाद पार्टी हाईकमान से उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें, देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और
समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी के वादे को अमली जामा पहनाने से पूर्व इसकी सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। सरकार शराबबंदी के लिए दो समितियों का गठन कर रही है। शराबबंदी को अमली जामा पहनाने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार इसके गुण दोषों का अध्ययन करवाना चाहती है। इसके लिए दो समितियां बनाई जा रही हैं। एक समिति सर्वदलीय राजनीतिक दल के सदस्यों की होगी तो दूसरी समाज के अलग अलग वर्गों के बुद्धिजीवियों की। पहली समिति देश के विभिन्न राज्यों में शराबबंदी की विफलताओं का अध्ययन करेगी तो दूसरी समिति समाज में शराबबंदी का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी पर निर्णय के लिए पूर्व सरकार ने रमन सिंह कार्यकाल में गठित समिति की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समितियां उन राज्य में अध्ययन करेंगी जहां शराबबंदी लागू हुई पर सफल नहीं हुई। विफलताओं का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि सरकार उस पर निर्णय ले सके। वहीं दूसरी समिति समाज की भूमिका के लिए रास्ता सुझाएगी। सीएम ने कहा कि दोनों समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा। 15 साल पहले परिवार से बिछड़े अयप्पा को परिवार से मिलवाने के लिए छतरपुर के अख्तर हुसैन बजरंगी भाईजान बन गए हैं। परिवार से बिछड़ने के बाद अयप्पा को नौगांव में बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। यहाँ मामला सरहद पार का नहीं है लेकिन है कुछ बजरंगी भाईजान जैसा। फिल्मों जैसी इस कहानी में एक पात्र है अयप्पा। अयप्पा बोरिंग करने वाली मशीन पर काम करता था। 15 साल पहले तमिलनाडु से सतना आया था। अयप्पा अपने परिजनों और साथियों से बिछुड़ गया। फिर क्या था, इस भटके युवक अयप्पा को नौगांव का लखन यादव अपने घर ले गया और अयप्पा को उसने बंधुआ मजदूर बना लिया। उसे मवेशियों के काम में लगा दिया। अयप्पा अपने माता पिता के पास जाने की बात कहता तो लखन यादव उसकी पिटाई कर देता। अयप्पा को इंतजार था तो एक बजरंगी भाईजान का। अयप्पा का यह इंतजार खत्म हुआ अख्तर हुसैन के रूप में। अब अख्तर अयप्पा को लेकर उसके घर वालों की तलाश में लगे हैं। क्या करते रहे, नया गांव में किसके यहाँ थे? रकन। लखन। क्या करते थे वहाँ पे? खेती काम। पैसे ऐसे देते थे? हाँ हाँ। काम क्या करवाते थे? खेती काम कर रहे, मेस के वैसे सांड बना दो, वाट बना दो, मेस लगा दो, मेस के पर्सिंग काट लिया, गोबर डाल दो, अंदर काम कर रहे थे। अभी थाने किस लिए आए? कहानी मम्मी। मम्मी घर जाने के लिए आए? नौगांव थाना क्षेत्र की घटना है ये। अभी दो दिवस पूर्व ही एक प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें एक बालक जो भटकता हुआ पहुंच गया था, एक होटल में काम कर रहा था, बहुत लंबे समय से था, लगा अभी उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। उसको उसके परिजनों के बारे में सूचना मिलने में उसको परिजनों से संपर्क करके उसके पास पहुँचाया गया है। मामले की जाँच की जा रही है, कोई अपराध पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे नया गांव में मेरे छोटे भाई का फार्म है तो मैं अक्सर वहाँ पे आता जाता रहता हूँ। तो वहीं पर ये भैंस चराने आया करता था तो वो अक्सर मुलाकात होती थी इससे और ये बेचारा वहाँ रोता था कि मुझको अपने घर जाना है। ऐसे मुलाकात हुई इससे। क्या है कि कल मुझे ये मिल गया, मैं अपने फार्म जा रहा था तो रास्ते में ये रोता हुआ मिला कि मुझे अपने घर जाना है। और मैंने कहा चलो मेरा सर जमीर जागा, चलो मैंने इसको उसके घर छोड़ दिया। तो मैं सीधा यहाँ नौगांव थाने ले आया, वहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। 15 साल से अपने परिवार से बिछुड़ने के बाद बंधुआ मजदूर का जीवन जीने वाले अयप्पा अख्तर हुसैन के संपर्क में आया और उससे टूटी फूटी हिंदी बोलकर पूरी बात बताई। फिर अख्तर ने पुलिस को अयप्पा के साथ हुई घटना की जानकारी दी। अख्तर ने अयप्पा को उसके माँ बाप से मिलाने तमिलनाडु ले जाने की बात कही। जैसे बजरंगी भाईजान बच्ची को मिलाने पाकिस्तान गए थे, ठीक वैसे ही अख्तर हुसैन अयप्पा को अपने माता पिता से मिलाने निकल पड़े हैं। तीन तलाक पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ताजा मामला छतरपुर का है जहां सायरा के पति ने तलाक 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 कहा और सायरा से पीछा छुड़ा लिया। सायरा ने पति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जहां से उसे राहत मिली। मुस्लिम सलाहकारों का कहना है कि जिस तरह से सायरा के पति ने तलाक दिया है वह मुस्लिम शरीयत के खिलाफ है।
सायरा का आरोप है पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसने गुजारा भत्ता देना भी बंद कर दिया है। आपको बता दें, तलाक के समय उसके 4 बच्चे थे। तलाक के वक्त पति ने बच्चों के पालन पोषण के लिए गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। लाचार बेबस सायरा अदालत के दरवाजे पहुंची, मगर परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और ऐसे कह रहे हैं कि हमने 3 दफा तलाक दे दी है, और न्यायालय से हमारा फैसला भी हो गया, जीत भी गए हैं कोर्ट से तलाक का केस, और ऐसे अब पुलिस धमकी दे रही है और ऐसे कह रही है घर खाली करो, ऐसे करना उस दूसरी पत्नी के नाम है, फलाना ढिकाना है, ऊपर से पुलिस आके धमकी दे रही है, और घर वाले हैं सो घर वाले मारने पीटने की धमकी जान से देना चाहती है और ऐसे परेशान कर रही है। अब बताओ 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का, और घर बाहर से निकाल फेंकेंगे सो हम कहां जाएंगे। सायरा का पति उससे मकान खाली करने का दबाव बना रहा है, जिसको लेकर सायरा पुलिस के चक्कर काट रही है। सुनवाई नहीं होने पर परेशान होकर छतरपुर SP को शिकायत करने पहुंची सायरा का कहना है कि यदि वह मकान छोड़ दे तो फिर अपने 4 बच्चों के साथ कहां जाए। पीड़ित सायरा की तहरीर पर SP ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फरियादिया सायरा बानो नामक आई हुई थी, मुझे उसने ये नहीं बताया कि 3 तलाक का मामला है कि क्या मामला है। उसने ये कहा है कि उसके पति ने संभवतः दूसरी शादी कर ली है और वो जिस घर में रह रही है उस घर से वो निकालना चाह रहा है। न्यायालय से नोटिस आ रहा है, उसकी तामली नहीं हो पा रही है। नोटिस तामील कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए मैंने परामर्श केंद्र की जो प्रभारी है उनको बता दिया है, और उसकी जांच करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। वहीं इस मामले में मुस्लिम सलाहकार मौलाना हाजी शहजादा अली का कहना है कि जिस तरह से सायरा के पति ने 3 तलाक दिया है वह मुस्लिम शरीयत के खिलाफ है। पहले तो ये जिसने तलाक दी है उसको शरीयत का कानून ही पता नहीं है। शरीयत में 3 तलाकें एक साथ नहीं दी जाती। इसमें अगर अब बीवी से कोई गलती हो जाती है, खता हो जाती है, तो उसको टाइम दिया जाता है। पहले 1 तलाक दी जाती है, फिर कुछ महीनों के बाद दूसरी, फिर इसके बाद कुछ महीनों के बाद तीसरी दी जाती है। उसने 3 तलाक दे के गलत किया है, ये महिला के साथ उसने नाइंसाफ़ी की है। उसको इसका बच्चों का पूरा हक देना पड़ेगा और जो भी महिला का खर्च है वो भी देना पड़ेगा। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवा वाशिंग पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। फर्क चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रीवा में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र एक किराना व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने किराना सामान एवं दुकान में रखी मोटरसाइकिल और नकदी चोरी कर ली। पुलिस चोर पकड़ पाती तब तक गुड़ चौराहा स्थित मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। इसकी जानकारी जब पुलिस अधीक्षक आबिद खान को लगी तो उन्होंने चोरों को पकड़ने का अभियान शुरू करवाया। मुखबिर की सूचना पर बदमाश सुल्तान मिर्जा को गोविंदगढ़ से उसके साथी रजनीश मिश्रा के साथ पकड़ा गया। यह दोनों शातिर चोर हैं। किराना व्यवसायी हैं, उनके दुकान में चोरी हुई थी ताला तोड़कर, और उनके यहाँ मोटरसाइकिल और कुछ पैसे थे जो चोरी किए गए। इसी प्रकार से 11 तारीख की घटना में ये भी एक व्यवसायी हैं, इनका मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का काम है, और इनके यहाँ से भी कई सारे मोबाइल्स और मेमोरी कार्ड और मैन कार्ड की चीज़ें चुराई गई। एक
बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें हम लोगों ने दो लोगों को पकड़ा है और उनमें से एक जो है जिसका नाम सुल्तान मिर्जा है वो एक रजिस्टर्ड क्रिमिनल है बैकग्राउंड के साथ। कई सारे उसके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं पहले से, 307 के 302 के भी केसेस के। और उसके साथ में एक और लड़का जो मिला है रजनीश मिश्रा करके, ये दो लोगों ने बेसिकली ये दोनों इंसिडेंट्स को ये घटनाएं करी हैं। इन दोनों चोरों से मोबाइल दुकान की चोरी का माल बरामद किया गया जिसमें कुल 30 मोबाइल, 5 मेमोरी कार्ड, 3 पेन ड्राइव, 28 मोबाइल चार्जर और ईयरफोन बरामद किया गया। इन चोरों से किराना दुकान में चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ 1,00,000 रुपए का सामान मिला है। छतरपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले नेशनल हाईवे के अधिकारी के घर दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और गाड़ियों के कांच तोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेशनल हाईवे के अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान के घर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और फायरिंग की। सिविल लाइन थाने में इस मामले की शिकायत की गई है। पीड़ित अधिकारी का आरोप है कि झांसी से खजुराहो तक बन रहे 4 लेन सड़क पर जावेद अख्तर नाम के व्यक्ति की भी जमीन सड़क प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर ली है, जिसमें जावेद का जो मुआवजा बना वह उसे कम लगा। घटना ये हुई है कि मैं कार्यालय में कार्यरत था, पिछले 2-3 दिनों पहले, 4-5 दिन पहले जावेद अख्तर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन पे मुझे शक है, वो ऑफिस में आके मतलब गाली गलौच की है और धमकी हमकी दी उन्होंने मारने की, जान से मारने की, और देख लेंगे। तो उसके एवज में ये कहना चाहूँगा कि उनकी एक ज़मीन थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में, भूभजन में प्रभावित थी, जिसका मुआवजा उन्हें कम प्राप्त हुआ था। तो उनके मन में ये शक आ चुका है कि वो मैंने उनका मुआवजा कम कराया है, जबकि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कार्यालय सहायक हूँ, जिसपे मेरा कोई बस नहीं है। मुझे शक है कि जावेद अख्तर के द्वारा मेरे घर पे कल रात को फायरिंग करवाई गई, 8-10 राउंड फायर हुए हैं, मेरी सभी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी गई है और जान से मारने की धमकी दी, देखते हुए 5-6 नकाबपोश लड़के भाग गए। क्लर्क हैं महेंद्र सिंह चौहान, उनके मुआवजा को लेकर रात में किसी ने फायरिंग की, उनके घर के बाहर गाड़ी शीशे तोड़ दिए हैं, उनके द्वारा रात में नक करके अभी सुबह आवेदन दिया गया है जिस पर जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पीड़ित अधिकारी का कहना है 5-6 बदमाशों ने घर पर 8-10 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई और फिर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पीड़ित अधिकारी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।